आप तमाम नाजरीन का डी टी वी 9 में खैर मकदम है। अपने ही मालिक के शोरूम से कीमती सोने व हीरे के जेवरात का सरखा करने वाले शातिर चोरों को एबिट्स पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। बतारीख 18 फरवरी को गोपाल कृष्णा नामी एक शख्स जो कि मुबारक बाजार में RVJ इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शोरूम चलाते हैं, उन्होंने एबिट्स पुलिस स्टेशन में अपने वर्कर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिन्होंने 1,05,00,000 रुपए मालियत के सोने व हीरे के कीमती जेवरात का सरखा करके राह फरारी अख्तियार की थी। पुलिस ने शिकायत पर अमल करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त हिमांशु सरदार उम्र 25 साल, कार्तिक बेग उम्र 33 साल, महादेव सरदार उम्र 36 साल, उत्तम ओझा उम्र 36 साल है। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद तमाम को अदालती तहवील में भी भेज दिया है। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात सेंट्रल जोन DCP M वेंकटेश्वरुलु की जुबानी। पेश है DTV 9 की एक खसूसी रिपोर्ट। SHO, DI और एबिट्स इंस्पेक्टर पूर्णा SI नरेंद्र टीम इस महीना 18 तारीख को ये गोपाल कृष्ण RVJ एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का शॉप में एक चार लोग ज्वेलरी मेकिंग करने का काम करते थे। हिमांश सरदार, कार्तिक बेग, महादेव सरदार और उत्तम ओझा ये तीन लोग पहले 4-5 साल तक काम करते थे ज्वेलर्स जो भी चांद और गोल्ड का मेकिंग करने पर टचर को फिक्सिंग करना काम ट्रस्ट से काम करते थे। बाद में ये कार्तिक को 3 महीने पहले आया और हवरा वेस्ट बंगाल से आने के बाद ये लोग प्लान करके 18 तारीख सुबह 11:30 बजे तकरीबन 83 क्रॉस गोल्ड और 119 कैरेट्स डायमंड्स ज्वेलरी बना के टच अप फिंग से करने के लिए दिया था गोपाल कृष्णा RVJ एंटरप्राइजेस शॉप ओनर। बाद में वो लोग बने से प्लान का मुताबिक वो लोग 1:30 बजे तकरीबन 1:30 बजे सब ज्वेलरी एक बैग में डाल लेते यहाँ से विजयवाड़ा तक गाड़ी में यहाँ से अपस्टैंडिंग होता। बाद में हमारे को शाम को कंप्लेंट दिए, हम केस रजिस्टर करें। बाद में वो लोगों का टावर लोकेशन और इंफॉर्मेशन दीजिए। दूसरा 19 तारीख सुबह इतवार था संडे, उस दिन भी हमारे SCP क्राइम टीम काम करके वेस्ट बंगाल के जाके वहाँ हवरा में ये लोगों का घर का पास तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में और एक घंटे का बाद में उसको कार्तिक भी गिरफ्तार कर लिया। पूरा जो भी इंटैक्ट प्रॉपर्टी है तकरीबन 1 करोड़ का सोना और डायमंड ये सब 1 करोड़ वैल्यू का प्रॉपर्टी को सबको वहाँ सीज करके बरामद करके लोकल कोर्ट को रिमांड करके ट्रांसिट वारंट पे इधर लेके आया एबिट्स पुलिस वाला। लेके बाद वो लोगों को रिमांड भेजा है। अभी हमें इमिडिएट एक्ट करने से एक पूरा जो इंटैक्ट प्रॉपर्टी मिला उसके लिए हमारा कमिश्नर शिवानंद साहब सब टीम को बधाई दिया और रिवार्ड्स भी प्रपोज कर दिया। थैंक यू।